दोस्तों, नरेंद्र मोदी और बीजेपी की एडवाइज़र ने एक टीवी टॉक शो में सरेआम तोहीन रिसालत की। नूपुर शर्मा ने एक टीवी टॉक शो में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। इस बीजेपी के रहनुमा के इस्लाम मुखालिफ बयान के बाद उत्तर प्रदेश में दाने चक बन गया। भारत में इस हवाले से पूरे आलमी इस्लाम में सख्त लोगों गुस्सा पाया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट जीपीओ चौक में इस हवाले से प्रोटेस्ट किया गया, जिसमें इस नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तर्जमान पर सख्त बातों के बयान पर सख्त गुस्से का इजहार किया गया। दोस्तों, दीन इस्लाम के हवाले से ये जो मुहिमजोई है, इस पे जो है वो मुसलमान कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते। भारत में उत्तर प्रदेश जो है जंग का मैदान बन गया। दो ग्रोहों के दरमियान झड़पों के 30 साल कानपुर शहर में पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए, जबकि हालात कशीदा। रियासत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के तर्जमान की जानब से इस्लाम मुखालफ मतनाज़ा लिहाज पर झड़पों के बाद 36 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। रियासत उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज कर लिया। झड़पों के दौरान 13 पुलिस एहलकार और दोनों ग्रोहों से 30 अफराद जख्मी हुए। नमाज जुमा के बाद कानपुर में मुसलमानों ने बीजेपी की तर्जमान नूपुर शर्मा के मतराजा तबसरे के बाद एहतजाज की काल दी थी। इस पर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में तशद्दुद के वाकयात रिपोर्ट हुए और दोनों ग्रोहों ने